नेक्स्ट हम लेते इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड कर फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स एलटीडी अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31st मार्च 2012 The company decided to buy back 20% of its equity share capital out of profit. All the legal formalities. कितना 20% buyback करना है? हाँ. Okay, 20% buyback करना है और number of shares कितना है? Number of balance sheet का क्या? Balance sheet. Equity share 2 lakh equity share of 10 each fully paid. हाँ 20 lakhs मतलब 2 lakh number of shares से buyback. 2 लाख का कितना परसेंट 20% 20% मतलब कितना हो गया 40,000 हो गया हाँ ये हमें क्या मिला नंबर ऑफ शेयर्स ओके 40,000 शेयर्स कितने के हिसाब से बायबैक करना है 10 रुपीस फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीस मतलब कितना हो गया 4 लाख हो गया हाँ कुछ प्रीमियम कुछ है नहीं ओके आगे All the legal formalities were duly completed. The company sold its investment for 2,05,000. Company ने investment sold किया मतलब पैसा आया हाँ बराबर तो investment sold कितने का 2,05,000 2,05,000 में sale किया ठीक है आगे And issued 500 8% debenture of 100 each. हाँ रुक 500 8% debenture ऑफ 100 ये मैं इशू कर रहा है मतलब कितना 50,000 का इशू कर रहा है ओके नेक्स्ट 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 व्हिच अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल आफ्टर द बायबैक द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर ऑफ 2 इक्विटी शेयर हेल्ड यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आवर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ profit of loss account ठीक है समझा ध्यान दे बायबैक कितना करना है प्रीमियम नहीं है ना पक्का प्रीमियम नहीं है ना नहीं हाँ बायबैक कितना करना है इतना पैसा आने वाला है क्या क्या करके मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया और डिबेंचर इश्यू किया ओके उसके बाद बोनस से रिलेटेड है जब हम लोग पहला कंप्लीट करते इतना जो हुआ है वो कंप्लीट करते उसके बाद बोनस का बता दो पहला कौन से रिलेटेड इनसे रिलेटेड एंट्री दूसरा इससे रिलेटेड एंट्री और बोनस वो तीसरा पार्ट रहने वाला है समझा ओके पहला एंट्री क्या आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है कैश बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट बराबर कितना पैसा आने वाला है टू इन्वेस्टमेंट कितना पैसा आने वाला है 2,05,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का था 2 लाख का था 5,000 प्रॉफिट 5,000 अभी कम किधर पड़ रहा है 5,000 इधर कम पड़ रहा है प्रॉफिट तो मैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा पहला एंट्री दूसरा एंट्री किससे रिलेटेड डिबेंचर से रिलेटेड डिबेंचर इशू कर रहा है पैसा मिलेगा मुझे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट डेबिट टू डिबेंचर 8% डिबेंचर अच्छा 8% लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा हाँ कितना 50,000 ओके नेक्स्ट ये हो गया बायबैक अब ये करते बायबैक बोल क्या आएगा एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर कितना 4 लाख चौथा प्रीमियम है क्या नहीं तो प्रीमियम का एंट्री नहीं आएगा सीआरआर क्रिएट होएगा क्रिएट हाँ ओके सीआरआर का फॉर्मूला क्या है नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इश्यू सीआरआर नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इश्यू ओके नॉमिनल वैल्यू कितना है 4 लाख कैपिटल के सामने 4 लाख सीआरआर 4 लाख इधर जीरो जीरो मतलब सीआरआर का अमाउंट कितना आना चाहिए 4 लाख डिबेंचर कैपिटल है क्या डिबेंचर लोन है ना मैं लोन ले रहा इसका मतलब वो थोड़ी एडजस्ट होगा उसके लिए डिबेंचर नहीं लिया ओके तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 CRR कितना 4 लाख पैसा कहाँ पड़ा है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व में कितना पैसा है 3 लाख
3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है? 3 लाख मतलब 1 लाख ले लेगा मैं डेबिट प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर। पांचवा एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट 4 लाख कितना? 4 लाख 4 लाख 4 लाख इतना अपना नॉर्मल चल रहा था। ओके सिर्फ एक चीज आया, बोनस एक्स्ट्रा आया बराबर। तो बोनस क्या बोल रहा है रीड कर। आफ्टर द बायबैक ऑफ, आफ्टर द बायबैक, बायबैक करने के बाद जो अमाउंट बचा है अपने पास कितने का था? 4 लाख था ना, सॉरी 2 लाख था ना, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स था बराबर। इसमें से माइनस 40,000 बायबैक किया तो 1,60,000 1,60,000 बचा। मतलब ये आफ्टर बायबैक अमाउंट है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके तो आगे बायबैक द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर मतलब 1:2 मतलब जिसके पास 2 शेयर से उसको मैं 1 बोनस में दूंगा, मतलब 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स में बोनस दे रहा हूं। समझा? जिसके पास 2 है उसको 1 दूंगा। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? फिर से रीड कर। द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड यूजिंग द लीस्ट, मतलब हेल्ड है ना, जो हेल्ड का अमाउंट नीचे हेल्ड टू बोला है उसको डिवाइड करना है। हमेशा याद रखना है हेल्ड दिखा के वो डिवाइड करना है और दूसरा अमाउंट रहेगा वो मल्टीप्लाई करना है। समझा? मतलब 80,000 हो गया, 80,000 फेस वैल्यू कितना है? 10 मतलब कितना रुपए का? 8 लाख क्या एंट्री आएगा? क्या एंट्री आएगा? एडजस्ट कर रहा है ना, एडजस्ट करना है, 2 बोनस शेयर लिखेंगे, फ्री में इश्यू कर रहा है ना। हाँ। तो मेरा पैसा किधर से एडजस्ट होगा? रिजर्व से एडजस्ट होगा। हाँ। बोलो मुझे रिजर्व में कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है? जनरल रिजर्व में है। जनरल रिजर्व में कितना है? 3 लाख था तो हम लोग ने पूरा 3 लाख यूटिलाइज किया तो खत्म हो गया ना। जनरल रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख था, 1 लाख यूज हो गया, 2 लाख बचे। वेट पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है किधर है? सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं है तो फिर हाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना कितना? 2,50,000 उसके बाद CRR कितना चाहिए? CRR 3,50,000 8 लाख हो गया। 30 कैसा? 50 है ना, तो 2 बोनस टू शेयर होल्डर कितना? 8 लाख ये समझा इसका टोटल 8 लाख हो रहा है ना। हाँ। तो फिर हो रहा है। ये समझा? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ। ओके बोनस का हमेशा 2 एंट्री रहता है। हाँ। जो बोनस क्रेडिट हुआ है ना उसको डेबिट कर देने का। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख क्लियर है? कुछ डाउट है? समझा। ओके ये कर लेते सर। अभी उधर हम लोग ने एक सम किया था, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जो था पहले वाली में, तो पहले हम लोग 12,000 का जो सिक्योरिटी प्रीमियम था पहले सम में, तो हम लोग ने पहले वो उठाया था और एडजस्ट किया था। तो वैसे उधर प्रॉफिट एंड लॉस भी तो है 5,000। हाँ, उठा सकते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा ये हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5,000 एडजस्ट करो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस 2,05,000 आएगा बराबर। नहीं तो अगर पैसा कम होगा तो हम लोग ले सकते अभी प्रॉफिट एंड लॉस इधर देखिए। 5,000 ये बोनस का एंट्री मारा। हाँ, लास्ट वाला बोनस टू शेयर होल्डर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिया 8 लाख, तो हम लोग ने उधर तो सेटलमेंट किए कर दिया है ना,
इक्विटी शेयर होल्डर 4 लाख पेमेंट कर दिया ना। हाँ तो ये वाला ये बोनस दिया ना मेरे पास कितना शेयर होल्डर से टोटल 2 लाख है बराबर, उसमें से 40,000 को सेटल किया ना मैंने बराबर 40,000 को सेटल किया है तो बाकी का 160 है ना उन लोग को मैंने बोनस दिया समझा नहीं। अभी देख इतने शेयर होल्डर है मेरे पास बराबर, इतना शेयर होल्डर्स छोड़ के चला गए इतने तो है ना, उसको तो मैं फैसिलिटी दे सकता हूँ कुछ भी इन लोग के साथ एक्स्ट्रा ये ले बोनस समझा। इतने जन बैठे इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि 4 लाख देख ध्यान दे इतने जन बैठे यहाँ पे बराबर, 4 जन चले गए घर चले गए, बाकी लोग तो मेरे साथ है ना अभी भी जुड़ा हुआ है तो उन लोगों को मैं बोनस दे सकता हूँ जो 4 गए उनका कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं, नहीं जो उनको देने वाले थे वो भी। हाँ अभी फॉर एग्जांपल 4 जन चले गए मैं कुछ खाने को लेके आया एक्स्ट्रा पड़ेगा इन लोग ही खाएंगे ना बराबर ओके समझा। क्या हुआ क्या कंफ्यूजन है वो अभी उधर ऐसा सर के ऊपर ऐसा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। हाँ वो 4 लाख है ना अभी इधर अभी 14 to 10 क्या 4 लाख आया 4 लाख आया तो वो हम लोग ने एडजस्ट कर लिया ना 4 लाख वो तो दे दिया भाई तो मतलब कैश बैंक भी हो गया मतलब पैसा रिटर्न कर दिया ना रिटर्न कर अभी 8 लाख आया उसका क्या वो किसको देगा ये 1,60,000 को एडजस्ट किया है जो मेरे साथ जुड़ा है अभी भी है 1,60,000 लोग है मेरे साथ उन लोग को फ्री दे रहा हूँ वही बोला ना जो मेरे साथ है उन लोग को वड़ा पाव मिलेगा ऐसा जो घर गया वो घर गया खत्म लोग कुछ नहीं मिलने वाले उन लोग को स्नैप पे फोटो मिल जाएगा ओके चलो बैलेंस शीट करें। पहला नोट फर्स्ट शेयर कैपिटल ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके जब ये ऐसा सम बढ़ रहा है तो शेयर कैपिटल में मिस्टेक करने का चांसेस ज्यादा है। मुझे बोलो बैलेंस शीट में क्या लिखा है 20 लाख 2 लाख मैंने डायरेक्ट आउटर अमाउंट बोल दिया 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each मतलब कितना हो गया 20 लाख हो गया बराबर माइनस बायबैक कितना बायबैक कर रहा है 40,000 इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा है ऑफ रुपीज 10 मतलब 4 लाख का बायबैक कर रहा हूं मैं 16 लाख कितना बचा 16 लाख बराबर इसमें प्लस बोनस कितना बोनस 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 मतलब कितना 8 लाख का बोनस आया बराबर कितना हो गया 24 लाख हो गया। प्रिफरेंस शेयर है क्या नहीं है तो इधर नोट 1 से 24 लाख समझा ओके नेक्स्ट सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो पहला क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था हाँ बोलना 2,50,000 था सॉरी 2,50,000 2,50,000 था माइनस 2,50,000 हो गया तो 0 हो गया। दूसरा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख है प्रॉफिट एंड लॉस कितना 3 लाख 3 लाख यूज किया 1 लाख पूरा 3 लाख यूज किया पूरा 3 लाख यूज किया माइनस 3 लाख ओके प्लस 5,000 होएगा यहाँ से ये 5,000 आया ना एक मिनट सर 2 लाख नहीं क्योंकि उधर ही अमाउंट है ना हाँ 5,000 बचा है ना हाँ तो 5,000 आएगा। नेक्स्ट क्या है जनरल रिजर्व थर्ड जनरल रिजर्व 3 लाख क्या माइनस हो गया पूरा सीआरआर के लिए यूज हो गया था तो 0। नेक्स्ट सीआरआर कितने का सीआरआर था 4 लाख माइनस 3,50,000 ही यूज हुआ है ना कहाँ पे ये देखो सीआरआर 3,50,000 था कितने का तो 50,000 में 4 लाख तो कितना बचा 50,000 और कुछ है नहीं 55. इनको टोटल किया तो कितना हो गया 55,000 नोट 2 से 55,000। नेक्स्ट क्या है नॉन करंट लायबिलिटीज
कुछ नहीं है। हाँ क्या क्या डिबेंचर और मतलब उसके अंदर डिबेंचर है क्या? नहीं नहीं उसके अंदर डिबेंचर नहीं, उसके अंदर बैंक लोन है? नहीं नहीं है। तो अभी इधर हम लोग ने डिबेंचर एक इश्यू किया है ना, तो वो इधर आएगा 50,000 करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स है 3 लाख। 3 लाख टोटल क्या, तो कितना आया 28 लाख। रुको ना सर कर रही हूँ, रुको सर कर रही हूँ सर, रुको सर 28 लाख 5,000। ओके नेक्स्ट फिक्स एसेट है? नहीं है। कितना बोलना बोलना। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। अच्छा अलग अलग दिया है क्या? हाँ। तो अलग अलग दिया तो हम लोग इधर प्लस करेंगे। कितना थर्ड नॉन करंट असेट, पहला क्या क्या है? बोल 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 बोल। 10 लाख लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 10 लाख। 10 लाख प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख। फर्नीचर 1 लाख। फर्नीचर 1 लाख। टोटल 21 लाख। टोटल 21 लाख। तो नोट 3 से हमें कितना मिल रहा है? 21 लाख। इन्वेस्टमेंट यूज किया हम लोगों ने, यूज किया कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट करंट असेट स्टॉक, स्टॉक और डेटर्स है। हाँ फोर्थ करंट असेट स्टॉक कितना? 1,70,000 और 3,80,000। 1,70,000 और डेटर्स है क्या? हाँ। डेटर्स कितना? 3,80,000। तो टोटल है 5,50,000। टोटल 5,50,000। तो इधर कितना है? 5,50,000। कहाँ से मिला? नोट 4 से। नोट 5 कैश बैंक बैलेंस 3 लाख। कैश इक्विवेलेंट क्या है? बैंक बैलेंस क्या? हाँ। बैंक बैलेंस 3 लाख। पैसा आया है क्या? हाँ आया है, 2,05,000 आया है। प्लस कैसा आया? इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट से 2,05,000 आया है। उसके बाद 50,000 डिबेंचर से आया है, प्लस डिबेंचर 50,000। और कुछ आया क्या? डेबिट में है बैंक? नहीं है। क्रेडिट में है? क्रेडिट में 4 लाख माइनस बायबैक कितना? 4 लाख। 1,55,000। यहाँ पे आएगा 1,55,000। टोटल कितना आया? 28,05,000। ओके सर समझ में आया? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? क्लियर है?